गोंडा जिले में लैंड स्कैम और भू माफियाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सदर तहसील के अभिलेखागार में रखे अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कोर्ट का भी निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने कोर्ट के अभिलेखों का भी गहनतापूर्वक जाँच की और अभिलेखों के रख रखाव और साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। वहीं रिकॉर्ड रूम और खतौनी फील्डिंग में मिली कमियों और खामियों पर सुधार करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने तहसील परिसर में आए फरियादियों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। तहसील सदर का आज औचक परीक्षण किया गया। इसमें सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, एसडीएम तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। इसमें साफ सफाई से लेकर पत्रावलियों के रखरखाव, अभिलेखागार का रखरखाव इत्यादि का परीक्षण किया गया। इनकी प्रॉपर समीक्षा की गई है, जो कमियां थी उसके बारे में इनको दूर करने को कहा गया है। और सबसे ज़्यादा जो बताया गया है कि जो भी आम जनता आती है उसकी सभी समस्याओं का निस्तारण टाइमली और नियम से हो, और जो भी खतौनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको जानकारी होती रहे, अविवादित हिरासत के मामले टाइमली निस्तारित हो जाएं और किसी को भी आमजन को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सर, जिस तरीके से गोंडा में लैंड स्कैम चला है उसको लगाम लगाने के लिए बहुत कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और आगे के लिए क्या कुछ इस तरीके के निर्देश दिए हैं? इसमें सभी जितने भी हमारे न्यायिक अधिकारी एसडीएम तहसीलदार, एडीएम या जिलाधिकारी स्तर पर सभी को बताया गया है कि जो भी हमारे सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक लैंड है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले हम लोग अभिलेख अच्छा रखें। अभिलेख जो जब दुरुस्त होंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई अच्छे से टाइमली कर पाएंगे। जो भी मामले संज्ञान में आते हैं जिसमें कूट रचना हो या कोई अन्य गबन की शिकायत आती हो तो उसमें तत्काल FIR कराया जाए, उसकी प्रॉपर जाँच हो और समीक्षा के बाद अगर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको नियमित कार्रवाई करके उसको हटाया। रजिस्ट्री विभाग में यदि कोई भी पहुंच जाता है किसी भी जमीन के लिए लेकर, वहां वो रजिस्ट्री करवा लेता है, उस पर कैसे क्या कुछ आपके द्वारा निर्देश दिए गए हैं? AIG को और सभी सब रजिस्ट्रार को जो भी नियम है, स्टाम्प नियमावली है, उसके तहत ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वो उसका सम्यक परीक्षण करके और जो भी नियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करें।